28 वर्ष परे ओडिसा रे लागू हेबा कु जाउची पेसा आइन। लोकंक मत नेबा सह सचेतनता सभा करबा कु घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। 27 टी जिल्लार 7667 ग्राम रे ग्राम सभा करिवे राज्य सरकार। पेसा आइन किपरि कार्यकारी हेबो सेने कराजिबो विस्तृत आलोचना। जनजातीय गौरव दिवस रे बीजेडी सरकार उपरे बर्षिछंती मुख्यमंत्री। गत सरकार समय रे आदिवासी मानंकु शिक्षा ओ स्वास्थ्य बोली सबु क्षेत्र रे अवहेला करा जाउथिबा से अभियोग करिछंती। आहुरी कहिछंती आदिवासी मानंकु पूर्व सरकार रे स्वतंत्रता मिलु नथिला कि मुख्य स्रोत रे शामिल करबाकु कोनोसी ठोस पदक्षेप निया जाउ नथिला। आवासिक हॉस्टल गुडी करे पिला खाइबाकु पाउ नथिले, लुण सह भात खाउथिले। तेणु आम सरकार राज्य रे पेसा आइन लागू करी आदिवासींको कल्याण सह सेमानको कला संस्कृति को मध्य सुरक्षा देव बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। भारत वर्षर महान स्वाधीनता संग्रामी भगवान बिरसा मुंडाकर 150 जयंती अवसर रे यही महान प्रेरणादायी संग्रामी प्रति मोर भक्तिपूत श्रद्धाजलि अर्पण करुच्छे। आज मध्य आम जनजाति संप्रदायर समृद्ध परंपरा को सम्मान जनइबार ये हूँ दिवस। जनजाति संप्रदाय माने ओडिसार आत्मा शक्ति सामर्थ्य को अवतारण करिछंती। विशेष करके आज ठारु आसंता 26 तारीख पर्यंत ये प्रति ग्राम रे जनसभा हबो एवं आमर पेसा आक्ट किभरी भाव में कार्यकारी करा जिवो सेतिपई व्यापक भाव में जनसचेतनता कार्यक्रम मध्य करा जिवा पई योजना सेथिरे संपूर्ण भाव में रखा जाइछ। जनजातीय गौरव दिवस रे आदिवासी को विकास पई 1535 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास करिछंती मुख्यमंत्री। जेउथरे रहिछि जनजाति ऐतिह्य ओ सुरक्षा पई 100 कोटी टंका व्ययरे निर्माण हेबाकु जाउथिबा जनजाति ऐतिह्य एवं स्वाभिमान भवन 852 कोटी टंका खर्चरे निर्माण हेबाकु थिबा 426 आवासिक स्कूल, 240 कोटी व्ययरे 16 आश्रम हाईस्कूल गुड़िकर अपग्रेडेशन, 13 हाईस्कूल को अपग्रेड करि युक्त 2 करिबा पई 22 कोटी लेखाएर व्ययबराद रहिछि। भाषा और संस्कृति प्रतिष्ठान पई 50 कोटी टंकार विनियोग पई मुख्यमंत्री आज घोषणा करबा सह शिलान्यास करिछंती। आदिवासी संप्रदायर आमर सुरक्षा एवं संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को किभरी भाव में बजाय रखा पई संपूर्ण भाव 1535 कोटी टंकार 1535 कोटी टंकार बजेट जहाँ प्रावधान रखा जाइछि तहार भित्तिप्रस्तर प्रदान भित्तिप्रस्तर आज दिगला। एवं आसतु नजर पकाइबा कौन ही पेसा आइन अनुसूचित अंचल विकास एवं जनजाति सशक्तिकरण पर 1996 मसीहा डिसेंबर 24 रे भारत सरकार पंचायत संप्रसारण अधिनियम बा पेसा आइन प्रणयन करते। आईन में ग्राम सभा को सर्वाधिक क्षमता प्रदान कराद्वारा अनुसूचित अंचल विकास सह ग्राम सभा जरिया जनजाति विकास हो पार एथिस राजनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा आदिवासी माने सक्रिय अंशग्रहण करेंज भाषा कहवाक गले आईन में जल जंगल जमी आदि तीन क्षेत्र में आदिवासी मानू स्वतंत्रता मिल। पेसा आईन देशर 6 आदिवासी बहुल राज्य लागू हो सारी पड़ोसी आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेसा आईन लागू होगा द्वारा आदिवासी विकास दिगरे यह अत्यंत सहायक होता देखा मिलूँ। किंतु ओडिसा रे वर्तमान सुधा एहाकु लागू करा जाय नथिबारु पूर्व सरकार को टार्गेट करिसंती विभागीय मंत्री जहार जवाब रखिछि बीजेडी। भारतीय बाबा भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नारे आज नरेंद्र मोदी जी योजना करिसंती जहा कि भारत सरकार रो 17 मंत्रालय एवं ओडिसा सरकार रो 11 गोटी विभाग मिसिकी से आदिवासी मानकर केमिति सैचुरेशन मोड रे तांकर विकास हबो सबु किछि योजना तांक पाखरे केमिति पहुँचिबो तांकर सामाजिक अर्थनीति क्षेत्र रे तांको विकास हबो तांकर सर्वांगीन केमिति विकास हबो सेथि पई जदि केहि जदि आज प्रयास करिछंती से होचंती आम देशर प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। आदिवासी जनजाति समर्थन विजु जनता दल प्रति अच्छी नवीन पटनायक प्रति भल पाइबा अच्छी एथिरे बीजेपी आतंकित आशंकित हो पेसा आईन रोप देख आदिवासी जनजाति मन जीणवाक चेष्टा कर सहित आदिवासी जनजाति वर्तमान घोषणा करा जाइछि जे पेसा आईन संपर्क में जनसभा हम तेणु जनसभा हम
କି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 22.85% ଜନଜାତି ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ 45% ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 13 ଜିଲ୍ଲାର 119 ବ୍ଲକରେ ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ 74 ପ୍ରକାରର ଉପଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ତଥା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।